देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटीपीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले सामने आए हैं उसमें 86% इन्हीं पांच राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। तो कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से अब दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है और इसी के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश सुनाया है। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार अलर्ट हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे संवाददाता राकेश सोनी, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से पिछले दिन जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था उस दौर में दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती से अभी उभर ही रही थी कि दूसरी बड़ी चुनौती फिर से सामने आ गई है। बिल्कुल दीप्ति, देखिए जिस तरीके से क्योंकि देखा जाए तो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो शुरू हो चुकी है और इसी वजह से क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हैं और इसी वजह से जो 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल और यहां से जो लोग आएंगे उनको दिल्ली में आने से पहले अपनी जो निगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की वो दिखाना होगा, उसके बाद ही वो दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्योंकि कोरोना के मामले में जहां दिल्ली पूरी तरीके से यहां पर अभी उभर पा रही थी लेकिन उसी दौरान जिस तरीके से अन्य राज्यों से जो खबरें आई हैं उसको देखते हुए ये जो सतर्कता है वो ली गई और ये जो आज की डेट में दिल्ली की सरकार की तरफ से जो ये घोषणा करी गई कि जो 5 अन्य राज्य हैं जिन राज्यों से दिल्ली के अंदर जो लोग प्रवेश करेंगे उनको आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो मामले कम हुए थे उसके बाद एक बार फिर से देखा जा रहा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले आए थे वहां बीएमसी के ऊपर भी जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था। तो इन चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां पर सतर्कता दिखाई है और लेकिन राकेश सबसे अहम बात ये भी है, ठीक है बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी होगा, लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं तमाम जगहों पर तस्वीरें ऐसी देखी जा रही कि अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार किस स्तर पर काम कर रही है? देखिए लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए दिल्ली सरकार का ये अभियान भी चल रहा था कि जितनी भी रेड लाइट थी वहां पर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं वो भी तैनात रहते थे। हालांकि अभी कुछ दिन से उस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए, सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर थे जो चलान काटते थे, क्योंकि अभी भी लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, खुद देश के प्रधानमंत्री भी हैं वो भी ये घोषणा देशवासियों से कहते हैं कि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंस ये जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे। खासतौर पर अगर मैं दिल्ली के आसपास के जो रूरल एरिया है वहां पर लोग जो है मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस वजह से दिल्ली सरकार चिंतित है। क्योंकि एक लंबा टाइम था जो लॉकडाउन राजधानी दिल्ली में था और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली अभी धीरे धीरे क्योंकि हर चीज की अगर बात की जाए तो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 2 फेज में खोले गए हैं और अभी देखा जाए तो मार्च के महीने में जो एडमिशन की प्रक्रिया है नर्सरी दाखिले की वो भी शुरू होगी, लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। तो दिल्ली सरकार इस चीज को चिंतित है कि अगर बाहर राज्य से कोई कोरोना संक्रमण व्यक्ति अगर आता है तो राजधानी दिल्ली में कहीं फिर से कोरोना का जो बादल है संकट है वो ना गहरा जाए। जानकारी के लिए राकेश बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार अलर्ट पे है और इसी के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी काम किया जा रहा है।